Stable, we have 4 or 5 dip tanks in our rear supply area. Can't get through them. Can you get some tanks up here? Over. 1 सितंबर 1939 को जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया था। उसके साथ इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया थे। दूसरी ओर अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ब्राजील, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, चेकोस्लोवाकिया और मंगोलिया की सेना खड़ी थी। इस युद्ध में पूरी दुनिया को हुए नुकसान और मारे गए लोगों को गिनना बहुत मुश्किल है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने पूरी मानवता के सामने जिंदा रहने की चुनौती खड़ी कर दी थी। उसके पास एक से बढ़कर एक मारक हथियार थे, लेकिन इससे भी ज्यादा हिटलर के पास कुछ ऐसे भी हथियार थे जो बेहद घातक थे, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह तैयार ही नहीं हो पाए। यदि ये तैयार हो जाते तो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। तो आइए जानते हैं हिटलर के सबसे घातक और रहस्यमय हथियार के बारे में। श्वेरार गुस्ताव। 1350 टन भारी ये तोप केवल सुपर हथियार नहीं, बल्कि मानव इतिहास में उपयोग में लाया गया सबसे बड़ा हथियार भी था। इसका वजन इतना ज्यादा था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। यह दैत्याकार तोप 800 mm या यूं कहें 7 टन का गोला दाग सकती थी, जो कि 29 मील तक की दूरी तक वार करने में सक्षम था। इसके 2800 mm के गन को असेंबल करने के लिए 250 लोगों की जरूरत पड़ती थी, जिसमें पूरे 3 दिन का समय लग जाता था। वहीं इसकी पटरियों को बिछाने के लिए 2500 लोगों की जरूरत पड़ती थी, और इसके बाद इसके एक गोले को असेंबल करने में आधे घंटे का समय लगता था। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यह बहुत बड़ा था और आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बड़े आकार की वजह से यह दुश्मन के निशाने पर भी आ सकता था। द सनगन। हिटलर ने अपने जमाने में ऐसे अत्याधुनिक हथियार की कल्पना की थी जो बेहद ही खतरनाक थी। हिटलर के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 1.5 किलोमीटर डायमीटर का आईना भेजने की योजना बनाई थी, जिससे कि सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कर उन्हें किसी भी जगह पर फोकस करके दूर से ही जलाकर राख में बदल सकते थे। ये हथियार दुश्मन के पूरे शहर या समुद्र के किसी भी भाग को उबाल सकता था। इस हथियार को बनाने का आइडिया रॉकेट साइंटिस्ट हरमन ओबर्थ को सन 1923 में आया था। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में नाजी असफल रहे। STG-44 दुनिया की सबसे पहली असॉल्ट राइफल थी, जो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया। युद्ध के दौरान ये गन इतनी पसंद की गई कि इसकी नकल करके AK-47 और M-16 जैसी गनें बनाई गई, जिन्हें आज भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गन्स की लिस्ट में रखा जाता है, और दुनिया की लगभग सभी सेनाएं इन गनों का इस्तेमाल करती हैं। हिटलर को ये बंदूक इतनी पसंद आई कि उसने खुद इस बंदूक का नाम स्ट्रमगेवर 44 रख दिया था। इस बंदूक की सबसे खास बात ये थी कि बंदूक में इंफ्रारेड विजन के साथ साथ दूरबीन भी लगा हुआ था, जिसकी मदद से नाजी अपने दुश्मनों पर रात में भी आसानी से निशाना साध सकते थे। लेकिन बंदूक में लगे इंफ्रारेड को इस्तेमाल करने के लिए बंदूक में लगे भारी भरकम बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे सैनिक अपनी पीठ में बांधे रहते थे, जिसकी वजह से जर्मन सेना को रात में भी हमला करने में मदद मिली। इस बंदूक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जरूरत पड़ने पर इसमें एक ऐसी नली का इस्तेमाल किया जा सकता था जो मुड़ी हुई होती थी, जिसकी मदद से सैनिक कहीं भी छिपकर दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर सकते थे। ये बैरल 4 तरीकों की बनाई गई थी, जो 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक मुड़ी हुई होती थी। लेकिन इस बंदूक का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के आखिर के कुछ महीनों में ही शुरू हो पाया था। द V3 सुपरगन। हिटलर ने यह सुपरगन इसलिए बनवाई थी क्योंकि वह लंदन शहर को बर्बाद करना चाहता था। यह एक ऐसी गन थी जो प्रति घंटे 300 राउंड फायर कर सकती थी। इस गन की क्षमता 165 किलोमीटर तक थी। इतिहासकार बताते हैं कि यह हिटलर की सेना का सबसे शक्तिशाली हथियार था।
इस हथियार से दो बड़े बंकरों से बमबारी करके लंदन शहर को बर्बाद करने की योजना बनाई गई थी। जब इस हथियार को लंदन की तरफ ले जाया जा रहा था तो रास्ते में अंग्रेजों की सेना ने आक्रमण कर दिया और इस हथियार को पहले ही नष्ट कर दिया। हिटलर ने इसे पुनः बनवाने की कोशिश भी की, लेकिन यह अभियान अधूरा ही रह गया। इस गन को हॉर्स ड्रग पंप यानी हाई प्रेशर पंप सीक्रेट कोड नाम दिया गया था, ताकि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद दुश्मनों से छुपाया जा सके। सोनिक कैनन। 1940 के दशक में नाजी इंजीनियर्स सोनिक कैनन जैसे हथियार को बनाने में लगे हुए थे। इस हथियार में मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से निकलने वाले धमाके की आवाज इन बड़े बड़े डिशेस के द्वारा इंफ्रासाउंड में परिवर्तित करके दुश्मन की तरफ छोड़ा जाता था। ये ऐसा हथियार था जिसके तेज साउंड वेव से इंसान को अंदर तक झकझोर के रख सकता था। यहाँ तक कि यह साउंड वेव इतनी खतरनाक थी कि ये इंसान के अंदर के ऑर्गन्स को ऐसे शेक कर सकती थी कि किडनी, लंग्स, लिवर और बॉडी में मौजूद लिक्विड शरीर से बाहर निकलने लगता है। ये ध्वनि सामान्य ध्वनि से इतनी ज्यादा थी कि ध्वनि तरंगों द्वारा बनाए गए दबाव में 50 मीटर दूर खड़े व्यक्ति की 30 मिनट में ही दर्दनाक मौत हो सकती थी। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक हथियार कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।